सुनवाई शुरू हुई तो उसमें कहा गया कि भाई चूंकि ये मामला जस्टिस अनिरुद्ध बोस का डिसाइड किया हुआ है राजस्थान के राजस्थान वाले प्रसंग में, तो कोर्ट ने कहा कि हम इसको जस्टिस अनिरुद्ध बोस के पास भेज देते हैं। तब बिहार सरकार के अधिवक्ता ने कहा कि उनको यह लिबर्टी दी जाए, उनको इजाज़त दी जाए कि मामले को वापस ले लें। उन्होंने मामले को वापस ले लिया है। सरकार की क्या मंशा है ये तो सरकार के लोग ही जाने। सरकार के अधिवक्ता जो सुप्रीम कोर्ट में आज बहस कर रहे थे, उनको इंस्ट्रक्शन होंगे सरकार की तरफ से, तो उस पर मैं टिप्पणी करने से बचूंगा। लेकिन एक इसमें यह डेवलपमेंट है कि बीएड अभ्यर्थियों के अधिवक्ता भी इस केस में मौजूद थे आज, प्रशांत भूषण जी। उन्होंने कहा कि बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से वो आए हैं और बीएड अभ्यर्थियों का जो मामला है वो अलग से दाखिल हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। जज साहब थे, उन्होंने प्रथम दृष्टया ही देखते हुए कहा कि मामला जस्टिस अनिरुद्ध बोस का है तो हम उनके पास भेज देते हैं, क्योंकि जिन्होंने जजमेंट दिया है वह व्यक्ति ज़्यादा सक्षम होगा यह बताने में कि उसका इंटरप्रिटेशन क्या है। केस को सरकार ने वापस ले लिया और बीएड अभ्यर्थियों ने कोर्ट में आके कहा कि उनका मामला शुक्रवार को है। उनका अनुरोध था कि शुक्रवार को मामला है तो सब साथ ही लगा दिया जाए, लेकिन चूंकि सरकार ने यह एसएलपी फाइल किया तो सरकार ने वापस ले लिया, तो इस मामले को साथ लगाने की कोई बात है नहीं। बीएड वाले अभ्यर्थियों का जो मामला है, चूंकि यह केस सरकार ने स्वयं फाइल किया था, ये बीएड के अभ्यर्थियों ने नहीं किया था, सरकार ने स्वयं फाइल किया, तो ये मामला अब समाप्त हो गया, शून्य हो गया, क्योंकि सरकार ने मामले को वापस ले लिया। अब रास्ता यही है कि अब उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। उनके अधिवक्ता ने कहा है कि भाई शुक्रवार को मामला आएगा, तो अब रास्ता यही सुप्रीम कोर्ट में जिरह करेंगे और सुप्रीम कोर्ट हमें यकीन है कि कोई ना कोई फैसला लेगी जो किसी भी तरफ जा सकता है। छत्तीसगढ़ में प्रक्रिया समाप्त होने की ओर अग्रसर थी, लेकिन उस बीच जजमेंट आ गया, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए उनको बोला प्रक्रिया जारी रखें, बीएड के अभ्यर्थी भी शामिल हैं, तो वहाँ तो एक लिबर्टी दे दी कि उसी के आधार पे बीएड जो अभ्यर्थी हैं उनके अधिवक्ता हैं अपना मामला जीरा करने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, एनबीसी 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, बिहार में शिक्षक नियुक्ति होनी है, लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बीएड वाले अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया था। ऐसे में एसएलपी दायर किया गया था केके पाठक के द्वारा। नीतीश सरकार ने केके पाठक को यह साफ कहा था कि जाके आप एसएलपी दायर कीजिए और बीएड वाले अभ्यर्थियों को शामिल करने की बातें करी है। ऐसे में एसएलपी की आज सुनवाई होनी थी और सुनवाई के बाद कहीं ना कहीं बातें सामने निकल के आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहीं ना कहीं सुनवाई हो रही थी उसको देखते हुए नीतीश सरकार ने जो एसएलपी दायर किया था उसको वापस ले लिया है। हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता कुमार अंजनैया शानू हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। शानू जी, जिस तरीके से सुनवाई हो रही थी, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर किया गया था उसको नीतीश सरकार के जो अधिवक्ता हैं वो वापस ले लिए हैं, कैसे देख रहे हैं और अब क्या होगा बीएड वाले अभ्यर्थी? देखिए, हियरिंग में मैं मौजूद था। सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई शुरू हुई तो उसमें कहा गया कि भाई चूंकि ये मामला जस्टिस अनिरुद्ध बोस का डिसाइड किया हुआ है राजस्थान के राजस्थान वाले प्रसंग में, तो कोर्ट ने कहा कि हम इसको जस्टिस अनिरुद्ध बोस के पास भेज देते हैं। तब बिहार सरकार के अधिवक्ता ने कहा कि उनको यह लिबर्टी दी जाए, उनको इजाज़त दी जाए कि मामले को वापस ले लें। उन्होंने मामले को वापस ले लिया है जी, वापस ले लिया है। अब अभ्यर्थी क्या करेंगे? ऐसे में सरकार ने केस किया था, सरकार तो चाह रही थी कि बीएड वाले अभ्यर्थियों की बहाली हो जाए। ऐसे में सरकार ने केस किया, उसके बाद केस को वापस ले लेते, क्या है मतलब ये क्या सरकार? देखिए, सरकार की क्या मंशा है ये तो सरकार के लोग ही जाने। सरकार के अधिवक्ता जो सुप्रीम कोर्ट में आज बहस कर रहे थे, उनको इंस्ट्रक्शन होंगे सरकार की तरफ से, तो उस पर मैं टिप्पणी करने से बचूंगा। लेकिन एक इसमें यह डेवलपमेंट है कि बीएड अभ्यर्थियों के अधिवक्ता भी इस केस में मौजूद थे आज, प्रशांत भूषण जी। उन्होंने कहा कि बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से वो आए हैं और बीएड अभ्यर्थियों का जो मामला है वो अलग से दाखिल हुआ है सुप्रीम कोर्ट में और संभवतः फ्राइडे को, शुक्रवार को लिस्टेड देखा जाए तो केके पाठक भी काफ़ी अभ्यर्थियों की बात कर रहे थे, उन्हीं के द्वारा जो है एसएलपी दायर किया गया था, वो भी अब कुछ नहीं बोल रहे हैं, शांत दिख रहे हैं। देखिए, ऐसा है, एसएलपी तो केके पाठक द्वारा नहीं दायर किया गया था, ये बिहार सरकार के द्वारा दायर किया गया था, यानी कि उनको भेजा गया था। हाँ, मतलब चूंकि कोई भी अगर अथॉरिटी होती है तो किसी व्यक्ति के माध्यम से ही दायर होता है, तो वो उस सरकार के एजेंट के रूप में, सरकार के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ कार्य कर रहे थे। मामला वापस हो गया है, इसका मतलब है कि सरकार को क्लैरिफिकेशन नहीं चाहिए। सरकार के अधिवक्ता ने कोर्ट में कहा भी कि हमें तो लगता है जजमेंट स्पष्ट है, क्योंकि सरकार जजमेंट पर स्पष्टता चाहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सरकार के अधिवक्ता ने कहा कि उन्हें लगता है कि जजमेंट लॉर्डशिप का
सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट है। सुनवाई को आपने पूरे तरीके से देखा है, ऐसे में सुनवाई जिस तरीके से हुई थी उसमें जो जज हैं जो केस को देख रहे थे वो क्या बोल रहे थे सरकार के लीगल एडवोकेट? देखिए जो जज साहब थे उन्होंने प्रथम दृष्टया ही देखते हुए कहा कि मामला जस्टिस अनुरुद्धा बोस का है तो हम उनके पास भेज देते हैं, चूँकि जिन्होंने जजमेंट दिया है वह व्यक्ति ज़्यादा सक्षम होगा यह बताने में कि उसका इंटरप्रिटेशन क्या है। वो उन्होंने कहा कि हमने जब प्रक्रिया शुरू कर दी थी तब ये जजमेंट आया, सरकार के वकील ने ये बात कही, लेकिन फिर कहा कि अगर वहाँ भेजना चाहते हैं तो हम विड्रॉ कर रहे हैं, तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि भाई आप हम वहाँ भेज देते हैं, आप जो करना वहाँ जाके कीजिए। केस को सरकार ने वापस ले लिया और बीएड अभ्यर्थियों ने कोर्ट में आके कहा कि उनका मामला शुक्रवार को है, उनका अनुरोध था कि शुक्रवार को मामला है तो सब साथ ही लगा दिया जाए, लेकिन चूंकि सरकार ने एसएलपी फाइल किया तो सरकार ने वापस ले लिया, तो इस मामले को साथ लगाने की कोई बात है नहीं। यानी कि बीएड वाले अभ्यर्थियों का जो केस किया गया, बीएड वाले अभ्यर्थियों ने जो केस किया है 13 तारीख को जो सुनवाई होगी उसकी सुनवाई होगी अब 13 तारीख को। बीएड वाले अभ्यर्थियों का जो मामला है, चूंकि यह केस सरकार ने स्वयं फाइल किया था, ये बीएड के अभ्यर्थियों ने नहीं किया था, सरकार ने स्वयं फाइल किया, तो ये मामला अब समाप्त हो गया, शून्य हो गया, क्योंकि सरकार ने मामले को वापस ले लिया। लेकिन अभ्यर्थियों ने भी केस किया है, कहा ये जा रहा है अभ्यर्थियों ने, जी अभ्यर्थियों ने भी केस किया है, उसमें सरकार भी एक पार्टी होगी। अगर आपकी आपको सरकार की मंशा पता करनी है तो उस दिन सरकार क्या कोर्ट में कहती है उससे आप मंशा पता कर लें। यानी कि मतलब सरकार के जो अधिकारी वहां मौजूद रहेंगे उनसे भी पूछा जाएगा क्या, मतलब मौजूद रहेंगे? देखिए अधिकारी तो मौजूद रहते हैं लेकिन अधिकारी अपने अधिवक्ता के माध्यम से मौजूद रहते हैं, जब तक कोर्ट ने कोई स्पष्ट आदेश ना पारित किया हो उनकी मौजूदगी को लेकर, तब तक उनकी मौजूदगी आवश्यक नहीं है, चाहे तो कोर्ट में आ सकते हैं लेकिन आवश्यक नहीं है। अंतिम रास्ता क्या बचा बीएड वाले अभ्यर्थियों को लेकर? अब रास्ता यही है कि अब उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उनके अधिवक्ता ने कहा है कि भाई शुक्रवार को मामला आएगा, तो अब रास्ता यही सुप्रीम कोर्ट में जिरह करेंगे और सुप्रीम कोर्ट हमें यकीन है कि कोई ना कोई फैसला लेगी जो किसी भी तरफ जा सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि अगर बिहार के लिए सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना देती है तो अनेक राज्यों को लेकर भी देखा जाए तो फैसला सुनाना पड़ेगा, ऐसा कहा? नहीं सर, चूंकि बीएड अभ्यर्थी हो या सरकार जो क्लैरिफिकेशन में गई थी, सबका एक ही मुद्दा है कि भाई प्रक्रिया शुरू होने के बाद जजमेंट आया है, तो मुझे नहीं लगता बहुत सारे ऐसे राज्य होंगे जहाँ प्रक्रिया शुरू, जहाँ रिक्रूटमेंट प्रक्रिया के बीच में जजमेंट आया हो। हाँ जहाँ प्रक्रिया के बीच में आया हो वो तो संभवतः जाएगा ही कोर्ट, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं। एक छत्तीसगढ़ में प्रक्रिया समाप्त होने की ओर अग्रसर थी लेकिन उस बीच जजमेंट आ गया, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए उनको बोला प्रक्रिया जारी रखें, बीएड के अभ्यर्थी भी शामिल हैं, तो वहाँ तो एक लिबर्टी दे दी कि उसी के आधार पर बीएड जो अभ्यर्थी हैं उनके अधिवक्ता हैं अपना मामला जिरह करने की कोशिश कर रहे हैं। अभ्यर्थियों को जाने से पहले क्या कहिए? मैं तो मेरा तो यही संदेश है कि अभ्यर्थी अपना तन मन से अपनी तैयारी करते रहें, जो परीक्षा दे दिया है कंसंट्रेट करें, अगर मान लीजिए इस परीक्षा में सफल नहीं होते या कोर्ट के जजमेंट की वजह से या किन्हीं और कारणों की वजह से, तो अगली परीक्षा की तैयारी करें। सरकार ने ऐसी शायद सूचना दी है अखबारों के माध्यम से, हमारे संज्ञान में आया है कि फिर से बहाली होने वाली है, तो सर पूरा ध्यान अभ्यर्थियों का अपनी परीक्षा पे और बहाली प्रक्रिया पे होनी चाहिए। अब कोर्ट क्या करती है, सरकार क्या करती है, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, चाहे आप डीलेड वाले अभ्यर्थी हों बीएड वाले अभ्यर्थी हों, आप तो अपना ही मेहनत कर सकते हैं। बिल्कुल अभ्यर्थी मेहनत करे, ऐसे में क्या कुछ होगा वो फैसला सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा ही बताया जाएगा। 13 तारीख को सुनवाई होनी है, लेकिन आज की जो सुनवाई हुई उसमें यह साफ हो गया कि सरकार ने कहीं ना कहीं जो एसएलपी दायर किया था उसको वापस ले लिया है सरकार के अधिवक्ता ने। बता दें आपको कि नीतीश सरकार ने बीएड वाले अभ्यर्थियों के हित में एसएलपी दायर करवाया था, के पाठक ने एसएलपी दायर किया था जाके, ऐसे में जिस तरीके से आज सुनवाई हुई बीएड वाले अभ्यर्थियों को फिर से निराश होना पड़ गया। बीएड वाले अभ्यर्थियों को लेकर भी सही से सुनवाई नहीं हुई, सुनवाई हुई लेकिन देखा जाए तो सुनवाई जिस तरीके से हुई उसके बाद सरकार ने अपना जो कोर्ट में केस किया था उसको वापस ले लिया। फिलहाल देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। बता दें आपको कि बीएड वाले अभ्यर्थियों का मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।